रीएजुकेशन एकेडमी के आज के इस मोटिवेशनल प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के हम आज इस टॉपिक में आप लोगों के लिए एकेडमिक विद्यार्थी के संदर्भ में लेकर के आए हैं कि एकेडमिक विद्यार्थियों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज का ही हमारा टॉपिक एकेडमिक स्तर पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इन बिंदुओं के माध्यम से शिक्षा का आयाम, शिक्षित होने का अर्थ, अध्ययन करने के तरीके, अध्ययन की बारंबारता और उसके सामान्यीकरण इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा का आयाम यहाँ पर एक टॉपिक बनाया गया है। तो शिक्षा एक बहुआयामी कारक है, बहुआयामी विषय है। शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, समझदार के लिए, हर स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है और शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग एक एकेडमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए किस स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, किस स्तर के तरीके अपनाना चाहिए और किन बिंदुओं को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जिससे उनके लिए शिक्षा अत्यंत लाभदायक हो, वो उनके ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, उनके समझदार होने का आधार बने। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आधार पर क्योंकि शिक्षा आपके कार्य करने के तरीके को बदलता है, शिक्षा आपके कार्य करने के तरीके को बदलता है, शिक्षा आपके सोचने के दायरे को बदलता है, न केवल बदलता है बल्कि उसे आधार भी व्यापक प्रदान करता है और आपको कई तरीके से सोचने के लिए विवश भी करता है। इसलिए शिक्षा प्रत्येक स्थिति में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप एकेडमिक स्तर पर हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातकोत्तर, स्नातक स्तर पर हैं, तो वहां पर आपके लिए ये एक गोल्डन ईरा है, ये एक गोल्डन पीरियड है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं है, किसी भी सर्विस का दबाव नहीं है, समाज का दबाव नहीं है, जिम्मेदारियों नहीं का कोई दबाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप एक वन वे सिस्टम में आप शिक्षा को सहज ढंग से ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। सहज ढंग से ग्रहण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई ही कीजिए, बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 7 से 8 घंटे की अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल वर्क के लिए आप जरूर समय निकालने का प्रयास कीजिए। आप 15 से 20 मिनट डेली फिजिकल वर्क कीजिए। ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के जो है गेम में शामिल होने से बेहतर है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में जरूर शामिल होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य और सारी चीजों में बेहतर संतुलन कायम कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा एक ऐसा कारक है जिसके महत्व को आपको अपने एकेडमिक स्तर में समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ऐसा समझ करके ही आप अपने जीवन को चमका सकते हैं, अपने को समझदार बना सकते हैं और जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शिक्षा के महत्व को समय पर समझने की जरूरत है। आप एकेडमिक स्तर पर हैं, किसी भी कक्षा क्लास में हैं, वहां पर आप पढ़ाई को एक आवश्यक विषय, एक आवश्यक कारक समझ करके उस पर अपना समय सदुपयोग के रूप में देने का जो प्रयोग कीजिए, समय का अपना उस पर सदुपयोग करने का जो है एक प्रयास कीजिए जिससे आपके जीवन में एक चमक आ जाएगी। यहां पर मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, समझदार। तो आने वाले इस टॉपिक में शिक्षित होने का अर्थ, शिक्षित होने के अर्थ इस हेडिंग के अंतर्गत जो है, इस फैक्टर के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि समझदार का क्या अर्थ है। जैसे शिक्षित होने का अर्थ ये कभी भी नहीं है कि आप हर वर्ष किताबों को पढ़ते रहिए और अगले क्लास में पहुंचते रहिए, इसका तात्पर्य ये नहीं है, क्योंकि इससे तो हमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं। शिक्षित होने का तात्पर्य समझदार होना है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि समझदार का क्या तात्पर्य है। समझदार का अर्थ यही है कि आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। आप कभी अपने से बड़े अधिकारी के साथ, अपने से वरिष्ठ के साथ, अपने फैमिली के साथ, कभी किसी शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग व्यक्ति के साथ आप पढ़ते हैं, उन परिस्थितियों में आपको कैसा व्यवहार करना है, इस बात की समझ होना ही समझदार होने की परिभाषा है। तो शिक्षा के माध्यम से आप समझदार तभी बन पाएंगे जब आप परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को करने का प्रयास कीजिए। अब यहां पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि आप परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कैसे करेंगे। तो पुनः यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आप किताबों से सीखी हुई ज्ञान को, यहां पर एकेडमिक पढ़ाई में हर पॉइंट को जोड़ने का प्रयास किया गया है कि आप अपने किताबों से सीखे हुए ज्ञान को और महापुरुषों
कि जीवनियों में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जो सीखते हैं पढ़ते हैं उसे आप अपने परिस्थिति अनुसार अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट या इस प्रकार की कक्षाओं में भारत की महान विभूतियों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हों। वो इतना महान क्यों हुए, उनके पीछे की क्या कहानी है, उस चीज को सीखने का प्रयास करें और उसे जीवन में जो है हम लोग उतारने का प्रयास करें। इसलिए किताबों से सीखी हुई बातें महापुरुषों के जीवनी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पढ़े हुए ज्ञान को अपने परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार उतारने का प्रयास कीजिए और ऐसा करके ही जो है आप अपने आप को व्यवहार के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल अपनी प्रतिक्रिया को, अपने व्यवहार को व्यक्त करने में सफल होंगे। तो इस तरीके से किताबों के माध्यम से और महापुरुषों के जीवनियों के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करना एक स्थिर विषय हो सकता है, लेकिन जब आप अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करते हैं तो वह आपको समझदार बनाने का प्रयास करता है। यहाँ पर एक और चीज मैं बताऊंगा, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो या किसी भी फील्ड में हो, वहां पर जिन लोगों ने पूर्व में जो भी कार्य किया है उनके द्वारा किए गए गलतियों से भी सीखने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वयं गलती करके सीखने का प्रयास करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसा इस संदर्भ में मैं एक कोट को यहाँ पर जो है उद्धृत करना चाहूंगा कि यह जीवन अपने ही किए गए गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कम पड़ सकता है, बहुत ही छोटा हो सकता है। यह जीवन अपने ही किए गए गलतियों से सीखने के लिए बहुत छोटा होता है, इसलिए आपको ये प्रयास करना होगा कि आप अगर किसी भी एकेडमिक स्तर के किसी भी कक्षा में हैं तो वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं आपसे जो वरिष्ठ हैं, जो आपके सीनियर रह चुके हैं, उनके बारे में आप सोचिए कि उन्होंने क्या त्रुटियाँ की थी, चाहे वो परीक्षा में किसी भी टॉपिक को पढ़ने को लेकर के हो सकता है या एग्जाम में समय के प्रबंधन को लेकर के हो सकता है, तो उनके किए गए गलतियों से भी सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपको एकेडमिक स्तर पर केवल एक बार ही देना होता है। ऐसी स्थिति में उसकी पूरी की पूरी तैयारी आपको करना होगा और पूर्व में उसी प्रकार के एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट के किए गए गलतियों से भी सीखने का प्रयास करना होगा। ऐसा करके ही जो है आप अपने आप को संतुलित रूप से उस परीक्षा के लिए उतार पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर शिक्षित होने का तात्पर्य केवल किताबों को पढ़कर हर अगले कक्षा में पहुंचना ही नहीं, बल्कि समझदार होना है। और समझदार होने के लिए जरूरत है कि व्यवहार के अनुसार आप कैसी परिस्थितियों के अनुसार आप कैसा व्यवहार करते हैं, और व्यवहार आप तभी कर पाएंगे जब किताबों से पढ़े हुए ज्ञान को और महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने व्यवहार में अपने परिस्थितियों के अनुसार उतारने का प्रयास करेंगे। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अध्ययन करने का तरीका। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय जब आप पढ़ रहे हो तो उसके महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करने का जो है जरूर प्रयास कीजिए, महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कीजिए, और दूसरा है महत्वपूर्ण शब्दों को भी अंडरलाइन कीजिए और उन शब्दों को भी समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहां पर सभी अपने सम्मानित अध्यापक गण से भी ये अनुरोध करता हूं कि बच्चों को जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो उन विषय में आने वाले, उन टॉपिक में आने वाले विशिष्ट शब्दों के मतलब को, अर्थ को जरूर बताइए। किसी भी टॉपिक के अगर सभी विशिष्ट शब्दों के अर्थ को ही केवल समझा दिया जाए तो उस टॉपिक के 70-80% जानकारी बच्चे को स्वयं हो जाती है। और आप सभी हमारे होनहार बच्चों से ये मेरा जो है अनुरोध है और कि इस तरीके से वो भी पढ़ाई करने का प्रयास करें, और इस तरीके से पढ़ाई करने के बाद उनके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आएगा, और ऐसा वो अपने आसपास की चीजों में भी अगर जहां पे भी चीजें देखते हैं और उन्हें विशिष्ट लगता है तो अपने वरिष्ठ से, अपने साथ में रहने वाले लोगों से, अपने गुरुजनों से उसको पूछने का प्रयास करें। ऐसा करके एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने आसपास की विशिष्ट चीजों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि व्यवहारिक जो जानकारी है वो व्यक्ति को सफल बनाता है, व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कीजिए और विशिष्ट शब्दों को उसके अर्थ जरूर समझने का जो है प्रयास कीजिए। जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर आता है कोई शब्द सतत, सतत शब्द
केवल ऐसे पढ़ करके आप छोड़ने के लिए जरूरत नहीं है, सतत शब्द का अपना एक अर्थ होता है और उस शब्द को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। सस्टेनेबल, सतत, कहने का तात्पर्य है कि हम आप एक ऐसे जीवन प्रणाली, एक ऐसे कार्य प्रणाली को, एक ऐसे विकास के मॉडल को स्वीकार करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने में सफल हो पाएंगे और आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सफल होंगे। तो इस तरीके से सतत शब्द अपने आप में काफी कुछ चीजों को समाहित किया हुआ है और इसी तरीके से जब हम शब्दों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जबकि आसपास की चीजों के साथ साथ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को हम समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करना है और महत्वपूर्ण शब्दों के मतलब को, अर्थ को, व्याख्या को समझने का प्रयास करना होगा। किसी भी टॉपिक को उसी इसी बिंदु में हम जो है अध्ययन करने के तरीके में भी बता रहे हैं कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हों तो उसको पढ़ने के बाद अगर एक घंटा समय उसके लिए निर्धारित है तो हम 55 मिनट ही उसका पढ़ाई करेंगे और 5 मिनट उसके जो है रिवीजन में, उसको दोहराने में समय निकालने का प्रयास करेंगे और ऐसा करके हम उस विषय को स्पष्ट कर लेंगे, उस विषय पर अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि उसको पढ़ने के बाद उसे रखने के पहले 5 मिनट उसको जरूर दोहराएंगे और अंत में होता है निष्कर्ष। अंत में जो है निष्कर्ष, निष्कर्ष का तात्पर्य है कि हम उसके बारे में एक समझ विकसित करेंगे, उसको इस तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें किसी दूसरे को अगर समझाना हो तो हम उसे समझाने की स्थिति में हो, बताने की स्थिति में हो, लिखने की स्थिति में हो, तब ये माना जाएगा कि वो टॉपिक, वो विषय का वो विशिष्ट टॉपिक आपकी तैयारी और आपकी समझ के दायरे में आ चुका है। तो इस तरीके से पढ़ने के तरीके में महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करना और दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण विशिष्ट शब्दों के जो है अर्थ को आपको समझना होगा। तीसरी बात यह है कि 5 मिनट लास्ट में रिवीजन करना होगा और चौथी बात यह है कि निष्कर्ष निकालने के बाद आप इस तरीके से समझ बनाना, इस तरीके से सामान्यीकरण करना कि ताकि आप दूसरे को जो है समझाने की स्थिति में पहुंच जाए। अध्ययन की बारंबारता एक महत्वपूर्ण यहां पर टॉपिक बनता है। अध्ययन की बारंबारता की कोई टॉपिक कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, यहाँ पर एक बात यह और भी समझ लेना आवश्यक है कि किताबों की संख्या कभी आपको समझदार नहीं बना सकती है बल्कि सही तरीके से चुने गए किसी भी विषय की 1 से 2 किताबों का कई बार किया गया अध्ययन आपको उस विषय की जो है जानकारी अच्छी तरीके से प्रदान कर सकता है। इसलिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का 1 किताब या अधिकतम 2 किताब का, अच्छी किताबों का आप चयन कीजिए, उसी का जो है आप बार बार अध्ययन कीजिए और इन पॉइंट्स में जैसे कि पूर्व में बताया गया उन बिंदुओं के, उन पॉइंट्स के, उन टिप्स के अंतर्गत आपको पढ़ने का जो प्रयास करना होगा और ऐसा करके आप उसके बारे में बेहतर समझ विकसित करने में सफल होंगे। इसी तरीके से कितनी बार पढ़ाई करने का, तो ये आयामी जो है 3 बार आप अध्ययन करेंगे किसी भी टॉपिक का, 3 बार जरूर अध्ययन करेंगे। एक बार तो आप पढ़ाई जब शुरू करेंगे वहां पर, जैसे यहां पर मैंने बताया कि 55 मिनट और 5 मिनट थी, ये 2 बार तो आपका उसी टाइम पढ़ाई हो गया कि 1 घंटे के समय में आप 55 मिनट समय वहां निकालेंगे और 5 मिनट का समय आप लास्ट में निष्कर्ष के रूप में, उसको दोहराने के रूप में जरूर यूज करेंगे। और तीसरी बार आप जो है 3 दिन के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर आप उसे जरूर दोहराने का, उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना करके उसके 60-70% भाग जो है गायब हो जाएंगे। तो यहां पर ये ध्यान में रखना होगा कि इन दो जो है बार को जो है आप उसी टाइम पर पढ़ाई कर लेंगे और तीसरी बार की पढ़ाई आपका 3 दिन के अंतर्गत उस टॉपिक का जरूर होना चाहिए। इन बिंदुओं के माध्यम से आप अपने उस टॉपिक की तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पर ये कुछ पॉइंट रहे हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ाई के दौरान ध्यान में रखना होगा, हमारे एकेडमिक स्तर के जो विद्यार्थियों को ध्यान में जो है रखना होगा। और अंत में है जो सामान्यीकरण, किसी भी टॉपिक का सामान्यीकरण का तात्पर्य है कि व्यवहारिक जीवन और जगत में अगर उसको कुछ शब्दों में व्यक्त करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे। जैसे कहीं पर भी समस्याएं चल रही कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक उष्मन क्या है, भैया कहने का मतलब यह है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाया जा रहा है, रोड पर चलने वाली गाड़ियां हैं, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं हैं, इससे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है और उस प्रदूषण के कारण से जो है हमारे इस परिवेश का, हमारे इस वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के कारण से कोई
घटना पहले घट रही है, कोई मौसम ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इन सभी चीजों को ही आप ग्लोबल वार्मिंग के दायरे में ला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्यीकरण का अर्थ यह है कि व्यवहारिक जीवन और जगत में उस चीज का किस तरीके से आप व्याख्या कर पाएंगे, इस बात की समझदारी पैदा करना, और अपने मित्रों दोस्तों से उससे चर्चा परिचर्चा करने में आप अगर सफल होते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उस विषय का सामान्यीकरण कर पाने में सफल हो रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों इस टॉपिक के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ आई होगी, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मैं दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात को जो है विराम देना चाहूंगा कि अभी न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, क्योंकि अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है, न कभी हारे थे और न ही कभी हारेंगे, ये किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। जय हिंद।